नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चौमू में जीवन सुरक्षा व पर्यावरण रक्षा संस्था के तत्वाधान में 8वां निशुल्क चिकित्सा परामर्श व जांच शिविर जेपी प्लाजा डोला कबास पंचायत भवन के सामने आयोजित हुआ। शिविर में 358 रोगियों ने चिकित्सा परामर्श लिया और विभिन्न प्रकार की जाँच करवाई। साथ ही रोगियों ने निःशुल्क दवा भी प्राप्त की। शिविर के मुख्य अतिथि सोहनलाल पारेख व विशिष्ट अतिथि सीताराम स्वामी रहे। शिविर में हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, नाक, कान, गला व नेत्र की जांच की गई। राजस्थान के कोटा जिले के मंडावरा ग्राम में ग्रामवासियों ने पंचायती चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में पंचायती चुनाव का बहिष्कार करने पर सभी ग्रामवासियों की सहमति बनी। सभी ग्रामवासियों ने एक स्वर में बोलते हुए कहा कि ग्राम मंडावरा से कोटा बूंदी को जोड़ने वाली सड़क के 2 किलोमीटर मार्ग नहीं होने के कारण वहां चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। युवा शक्ति के द्वारा प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मामले को देखते हुए मंडावर के लोगों का कहना है कि जब तक गांव में सड़क का निर्माण नहीं होगा तब तक ग्रामीण वोट नहीं देंगे। गांव के सभी नागरिक बंधु, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव में काफी दिनों से 30 सालों से टुकड़ा रुका हुआ है, जो रोटादा और मंडावरे के बीच में काफी दिनों से टुकड़ा है, जो कोई भी नहीं सुन रहे। सांसद, विधायक, ओम बिरला जी, माननीय और श्री, सभी कोई नहीं सुन रहे। इस कारण हमारे गांव में काफी दिनों से ऐसा हो रहा है, टुकड़े खड्डे हो रहे हैं और जनता कई सालों से दुखी है। जो हमसे आगे कहती है हम खड्डे में पड़ गए, कोई कहता है हम पड़ गए, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ग्रामवासियों की सख्त मांगे कि रोटदा से मंडावरा जो अधूरा निर्माण कार्य है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो इसके बहिष्कार गांव में, पूरे गांव में ये इकट्ठा होके सब ये निर्णय कर लिया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे और आगामी विधानसभा लोकसभा का भी बहिष्कार करेंगे। सूरतगढ़ में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संस्थापक परम पूजनीय शाह मस्ताना महाराज का 131वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 40,000 के करीब सात संगत ने भाग लिया और मुर्शीद शाह मस्ताना महाराज के वचनों को सुनकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। साथ ही इस दौरान 131 अति गरीब परिवारों को एक माह का राशन व जरूरतमंदों को गर्म कम्बल वितरित किए गए। बीकानेर में रेलवे ग्राउंड में गुर्जर गोड प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। आयोजन समिति से जुड़े मीडिया प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बताया कि पहली पारी में राइजिंग स्टार व महर्षि गौतम क्रिकेट क्लब कोलासर के बीच हुई, जिसमें कोलासर टीम हाई स्कोर 212 रन बनाकर विजेता रही। दूसरी पारी का मैच भीनासर सुपर किंग्स व रॉयल बिकाना के बीच खेला गया, जिसमें भीनासर टीम विजेता रही और तीसरी पारी में माँ हर सिद्धि ढाडरवाला व खतरनाक 11 के बीच खेला गया। इस दौरान खेलों के प्रति युवाओं में खासा जोश देखा गया। बीकानेर में विप्र फाउंडेशन द्वारा समाज में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ई पोर्टल लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य वक्ता बीसीसीआई चेयरमैन सीए सुधीर शर्मा, जिलाध्यक्ष राजकुमार व्यास की अध्यक्षता व प्रदेशाध्यक्ष भंवर पुरोहित के संयोजन में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सचिव जोन प्रभारी दीपक पारिख ने कहा कि संगठन का प्रयास है कि विप्र समाज द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एक अभिनव पहल की गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस हेतु योजनाबद्ध तरीके से समाज में जनसंपर्क किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।